नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कि हाइपरटेंशन भी कहा जाता है या रूटीन में लोग हाई बीपी भी कहते हैं, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि ये होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में भी यूज़ की जाती है और इसको आयुर्वेद में भी यूज़ किया जाता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के अंदर कितने अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, होम्योपैथी में इसको कहते हैं रॉल्फिया सर्पेंटीना और आयुर्वेद के अंदर इसको सर्पगंधा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है, आखिर क्यों तेजी से हाई बीपी जो है बहुत ही कॉमन हो गया है कि हर घर के अंदर एक पेशेंट आपको मिल जाएगा जिसको कहीं ना कहीं हाई बीपी का पेशेंट है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण जो आजकल देखने को मिल रहा है वो आज की हमारी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल है। ये लाइफ स्टाइल के कारण होने वाली एक बीमारी है और इसलिए ये तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी आजकल दौड़ भाग भरी जिंदगी हो गई है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में रहने लगे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ में है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है। कहीं ना कहीं खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं रही, लोग घर का खाना कम खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स ज्यादा खा रहे हैं, और इन सब के साथ में जो है स्मोकिंग, यानी बहुत से लोगों को धूम्रपान या सिगरेट की आदत लग गई है। इसी तरह से अल्कोहल यानी शराब का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, इन सब के साथ कहीं ना कहीं इस लाइफ स्टाइल के कारण लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई, यानी बैठे रहने के काम ज्यादा है, ग्राउंड में कोई जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने जा रहे, दौड़ने के लिए नहीं जा रहे, जिम नहीं जा रहे, योगा नहीं जा रहे या और कोई स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ज्यादातर मानसिक काम ज्यादा है और बैठे रहने का काम ज्यादा है, तो उन सब के कारण कहीं ना कहीं ओबेसिटी या मोटापा भी तेजी से बढ़ने लग गया। इन सब के कारण दोस्तों, जब मानसिक तनाव होता है तो कहीं ना कहीं आपको नींद भी कम आती है और नींद डिस्टर्ब होने लगती है। और इन सारी चीज़ों के साथ में ये भी देखा गया कि आजकल जो है इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। कहीं ना कहीं हर आदमी लैपटॉप और मोबाइल का अलग ही अपनी एक दुनिया बना ली है, जिसके कारण परिवार के साथ कम टाइम बिताना, उनके साथ हंसी मजाक करना, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, डिस्कस करना या दोस्तों के साथ कम टाइम बिताना, इन सारी चीज़ों के कारण भी स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है। और दोस्तों, ये सारे जो कारण है ये कहीं ना कहीं आपको हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर या आप हाइपरटेंशन जो कहते हो, हिंदी में उच्च रक्तचाप भी हम इसको कहते हैं, इनके कारण ये पेशेंट जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हमारी इस तरह की लाइफ स्टाइल के कारण। दोस्तों, अब हम समझें कि हाई बीपी या हाइपरटेंशन किसको होता है। तो दोस्तों, ये किसी को भी हो सकता है। किसी को से मेरा मतलब है कि चाहे महिला है उनको भी हाई बीपी हो सकता है, पुरुष है उनको भी हो सकता है। और रूटीन में वैसे ये देखा गया है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट जो पुरुष हैं यानी मेल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी महिलाओं में ये थोड़ा कम है और पुरुषों में हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, स्ट्रेस, कंपटीशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो इस तरह की लाइफ स्टाइल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये जेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हाइपरटेंशन के पेशेंट्स मेल्स या पुरुष जो है ज़्यादा है। दोस्तों, एज ग्रुप की हम बात करें तो एज ग्रुप के अंदर थोड़ा सा इसमें चिंता वाली आजकल बात ये है कि पहले क्या होता था कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट थे ये यूजुअली 45 या 50 के बाद में देखने को मिलते थे, 45-50 साल के बाद के अंदर जो है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स देखने को मिलते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि आजकल कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं रही, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो इन सब के कारण आजकल कम एज ग्रुप के अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आने लग गए हैं, यानी 30 जिनकी एज जो है 30 के आसपास है, 30-35 उनके अंदर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, कई बार बिल्कुल यंग एज यानी 25 एज ईयर्स है, इस एज ग्रुप के लोग हैं, इनके अंदर भी हाइपरटेंशन या हाई बीपी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल बीपी या ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या रहनी चाहिए, दोस्तों जो स्टैंडर्ड रीडिंग है वो हालांकि इसकी 120/80 mmHg मानी गई है। यहाँ 120 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको आप कह सकते हो कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, मैं आपको अगर हिंदी में समझाने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ कि ऊपर वाला 120 जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो रह सकता है, डायस्टोलिक यानी जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है 80 mmHg माना गया, यानी रूटीन में 120/80 को स्टैंडर्ड माना गया, ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, 120/80 होता है और इसके अंदर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस भी चलते हैं, यानी मान लीजिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है वो 130 तक भी है तो भी आप माने उसको नॉर्मल है, नीचे वाला 85 तक जा रहा है तो भी ये नॉर्मल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर है ये एज के साथ भी चेंजेस होने लगता है, क्योंकि एज के साथ आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आएंगे, आपकी आर्टरीज में भी बदलाव आएंगे, आर्टरीज यानी वो धमनियां
में ब्लड फ्लो करता है और जहाँ से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो उनमें भी अंदरून से अंदरूनी उनका जो स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, एज के साथ चेंजेस होते हैं, तो एज के साथ भी हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। विद एज आप कह सकते हो कि अगर कोई 40 ईयर्स के हैं पुरुष या महिला और उनका ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए 135 और नीचे वाला 85 भी है तो भी हम बोलेंगे नॉर्मल है। इवन दोस्तों अगर उनका ब्लड प्रेशर आप मानिए कि 60 ईयर्स एज ग्रुप वाला कोई आया क्लिनिक में और उनका अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर 140 है तो भी हम बोलेंगे नॉर्मल है, क्योंकि विद एज थोड़ा सा रीडिंग बढ़ती जाती है। और डायस्टोलिक जो नीचे वाला है वो अगर उनका 85 से भी थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, मैं बोलूं कि अगर वो 88 तक भी आ रहा है तो भी हम बोलेंगे नॉर्मल है और उनको बोलेंगे थोड़ा डाइट का आप ध्यान रखें। डाइट के ऊपर जो है मेरा अलग से एक वीडियो है कि ब्लड प्रेशर में डाइट चार्ट क्या है, उसका मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों यंग एज ग्रुप में यानी अगर हम बात करें एज वाइज की, अगर एज लगभग 40 ईयर्स तक है तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि जो आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है एटलीस्ट 135 या इससे नीचे रहे, और डायस्टोलिक है वो हर हाल में 85 से नीचे रहना चाहिए। अगर आप 60 के आसपास आ गए हैं, 50 क्रॉस हो गए तो ऊपर वाला जो प्रेशर है ये 140 तक भी हम बोलेंगे नॉर्मल है, चलेगा, और नीचे वाला 85 से लेके 88 तक। लेकिन अगर इससे ऊपर जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं अलर्ट होने की जरूरत है और हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट रहता है। दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन शुरू की तो आप ब्लड प्रेशर के लिए आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी मेडिसिन एक बार शुरू होगी तो आपको लाइफ टाइम इसको लेना होगा, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको लाइफ टाइम लेना भी चाहिए। अगर आपकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू हो गई है तो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही रहना है और मेडिसिन आपको कभी भी बंद नहीं कर देनी चाहिए अचानक। धीरे धीरे आपके डॉक्टर अगर जरूरत हुई तो उसकी डोज टेपर करते हैं या कई बार बढ़ाते भी हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों यहाँ अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, और इस वीडियो में उसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं रॉल्फिया सर्पेंटीना, जिसको आयुर्वेद में सर्पगंधा भी कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि रॉल्फिया सर्पेंटीना जो है होम्योपैथी की बुक्स के अंदर उसका कितना अच्छा रिकमेंडेशन है। दोस्तों यहां मैं आपसे रेफरेंस से बात कर रहा हूं डॉक्टर विलियम बोरेक, जो कि होम्योपैथी के अंदर बेस्ट बुक मानी जाती है, उसके रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो रॉल्फिया सर्पेंटीना हाई ब्लड प्रेशर की स्पेसिफिक मेडिसिन है, और इसका मतलब जो है हार्ट के ऊपर स्पेशल एक्शन है, जिसकी वजह से इसको जो है माना गया है कि इससे अच्छी होम्योपैथी के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके। और अगर हम रॉल्फिया सर्पेंटीना को यूज करते हैं तो ये धीरे धीरे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर था उसको कंट्रोल करने लगती है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा है और लास्ट में ये ठीक भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको दोबारा यहां अलर्ट करूंगा कि ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर के गाइडेंस में लेना है और ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग जो है होती रहनी चाहिए। दोस्तों बुक के अंदर ये भी लिखा है डॉक्टर विलियम बोरेक के अंदर कि इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप कारण पुराने याद करें तो हमने बात की कि आजकल तनाव, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद कम आना, ये ब्लड प्रेशर का बहुत ही बड़ा एक कारण निकल के आया आजकल की लाइफस्टाइल में। तो जो हमारी मेडिसिन है रॉल्फिया सर्पेंटीना ये क्या करती है कि आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि वो लोग जिनको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, स्ट्रेस से सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई बार इतना मानसिक तनाव या स्ट्रेस हो सकता है कि लोग कई बार पागलपन का सा बिहेवियर करने लगते हैं, जब तनाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं नींद कम आने लगेगी, मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, इन सारी चीज़ों के अंदर भी रॉल्फिया सर्पेंटीना आपके नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करती है। और धीरे धीरे जब आप इस मेडिसिन को लेते हो तो आपका मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी ठीक होने लगता है, आपको नींद भी अच्छी आने लगती है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो मानसिक रूप से स्ट्रांग और मजबूत पाते हैं, यानी आप कह सकते हो कि आप चुनौतियों का या जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस है उनको आप बेटर वे के अंदर हैंडल कर सकते हो और मेंटल स्ट्रेस आपका कम होने लगता है। तो नेचुरली इसके कारण भी आपको जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये मेडिसिन आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें क्या डोज लेना चाहिए यानी किस तरह से हमें इसको लेना है। दोस्तों रॉल्फिया सर्पेंटाइन मेडिसिन को सिर्फ मदर टिंचर यानी क्यू में ही यूज करना चाहिए, और इसकी डोज की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी 10 ड्रॉप्स यानी 10 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए। और कोई भी मदर टिंचर को जो लेने का तरीका आप जानते हैं कि उसको हमें ल्यूकॉम यानी गुनगुने पानी में मिक्स करके लेना होता है, यानी अगर एक चाय पीने वाला कप है उसको आप साफ सुथरा क्लीन करके रख लीजिए, उसमें 10 बूंद आप रॉल्फिया सर्पेंटीना मदर टिंचर डालिए, फिर उसके अंदर लगभग आधा कप, मिनिमम आधा कप, और मैक्सिमम आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो आप पूरा कप भी पानी ले सकते हैं, उसमें ल्यूकॉम थोड़ा गुनगुना पानी मिक्स कर दीजिए और छोटी छोटी घूंट सिप बाय सिप आपको धीरे धीरे पीना चाहिए। इस तरह से आपको दिन में दो बार पीना चाहिए, और दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे कि महीने दो महीने के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर
सकता है धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, और उसी के साथ के अंदर जो है आप इसको लंबे समय तक थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। लेकिन मैं एक बार फिर अलर्ट करूंगा कि डॉक्टर के गाइडेंस में रहें, ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, ऑल ऑफ सडन आपको कोई मेडिसिन बंद नहीं करनी होती है, वरना इसके कई बार हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना भी पड़ता है। अगर आप इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं दोस्तों, तो मैंने जो मेरा क्लिनिक का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके शेयर करूँ, तो हमने देखा कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत से पेशेंट जो कि शुरू के अंदर ही जिनको हमने हाइपरटेंशन जो है डिटेक्ट किया, उनको अगर पहले कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली थी उन्होंने और हमने सीधा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, रोल्फिया सर्पेंटिन तो डेफिनेटली हमें यूज करना ही है। इसके साथ हर पेशेंट के लिए कई बार हमें इंडिविजुअल और मेडिसिन होती है जो ऐड करनी होती है, उनके सिम्टम्स के अनुसार हमें देनी होती है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन या मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम देते हैं। और हमने देखा कि 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और बहुत से केसेस के अंदर 5 to 6 मंथ्स बाद में हमने बिल्कुल मेडिसिन बंद ही कर दी और उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से कोई एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बार फिर मैसेज दूंगा कि आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन ऑल ऑफ सडन बंद नहीं करें, आप वो कंटिन्यू करें, उसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर के गाइडेंस में आप लें रॉल्फिया सर्पेंटिना, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता जाएगा, नीचे उसकी रीडिंग नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो आपके डॉक्टर हैं एलोपैथिक डॉक्टर जिनके गाइडेंस में आप ले रहे हैं, उनके गाइडेंस में ही वो अपनी डोज जो है उसको कम करें, आप उसमें सेल्फ डिसीजन नहीं लें, अचानक बंद नहीं करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सी बार देखा गया कि ऑल ऑफ सडन जब आप मेडिसिन बंद कर देते हो तो कई बार उसे ब्लड प्रेशर शूट होता है, जिसके कारण कई बार हमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैं बताऊंगी, ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें कि ऑल ऑफ सडन अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कई बार पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकता है, या कई बार आप कह सकते हैं कि किडनी यानी गुर्दे से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि रॉल्फिया सर्पेंटिना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप कह सकते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर की रामबाण दवा है, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप इसको डॉक्टर के गाइडेंस और रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ यूज करें, जिससे आप ब्लड प्रेशर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इन सब के साथ दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा, थोड़ा सा अपना डाइट यानी खाने पीने के ऊपर भी थोड़ा सुधार कीजिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह आप किया करें, योगा प्राणायाम करें, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो जीने की कोशिश करें, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन रॉल्फिया सर्पेंटिना पे जो जानकारी दी है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।